अब ये गौरी ना हमारे साथ में ही रहेगी। इतने देखो हमारी गौरी भी दूध पी रही, इनको भी डिनर चल रहा है। देखो पूंछ वाइपर की तरह हिल रही इनकी। बछड़ा जब दूध पिए तब बहलाता ही है ऐसे पूंछ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। देखो हम तो तैयार हो गए क्योंकि अस्पताल जाना है, साथ में कोई इंजेक्शन लगने हैं। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। कैसी हो? अच्छी है। और हमारे घर है, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। चलो बड़ी रोटी खा ले। अब तक इनके बाहर बन रहा है, देरी हो रही। फिर तुम क्या हो गए, टाइम पे पहुंचा हो? हमारे पास एरोप्लेन नहीं है जो हम उड़ा कर तुरंत तक पहुंचा दें तुम्हें। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। ये देखो हमारी गौरी जी आराम से धूप में लेटी हैं, धूप सेक रही। गुड मॉर्निंग राधे राधे। पापा देखो आराम से लेटे हैं यहाँ पे, तो राहुल का लंच चल रहा है। वो चलो गाइस चलते हैं। राहुल देख रहे ना इनको, कितनी तनक सी जेसीबी आन लगी। अब भैया जी तो पहली बार देखी हमने। आ जा भैया लड़का फुल फॉर्म में, ना ठंड लग रही ना कछु है। और दाढ़ी रखी इतनी बड़ी बड़ी। हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, साधना का आज अल्ट्रासाउंड भी होना है, इंजेक्शन तो लग नहीं है। चलो चलते हैं। कितने मिनट पहले आ गए? 45 मिनट पहले आ गए। तो हम लोग आ चुके हैं, साधना की फाइल अंदर जा चुकी है। चलते हैं घर, साधना को इंजेक्शन लग गया, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, तो IVF का प्रोसेस है साधना का, बढ़िया चल रहा है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे भाई आप लखनऊ कब आओगे? तो गाइस अभी पक्का पता नहीं है कब आना है, जब भी आना होगा तो हम आपको बता देंगे। भूखी रहती है। सुसाधना ने आते ही साथ निकलाया, दूध गरम करो और आराम से देखो बैठ के अब ये दूध पी रही। ठाकुर जी के भी सर्दी वाले कपड़े पड़े हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। सवांदा उगा कर रहा है देखो, तो चल रहा बहुत खूबसूरत हो आप सर से पांव तक। फिल्म चल रही गदर 2 फिल्म चल रही थे, सुने ना देखने थी इनने के हमें गदर 2 देखने को। देखो सवांदा भी देख रहा है गदर 2, देखो दीवार में सामने। इधर करो मुंह, तब तो देखे मोड़ा। बेटा तुम देख लो गदर 2, फिर तुम भी गदर करियो खूब। ये गौरी के लिए गले में पहनने के लिए साधना बना रही है, देखो इसकी हल्की सी आवाज भी आएगी। इसने ये पहन ली है, साधना ने बनाई इसके गले के लिए, कितनी प्यारी लग रही है ना। राहुल के साथ ये कैसे खेल रही, देखो ले भैया ये तुम्हारे पास आ गई। गौरी खेलने लगी देखो अब तो। देखो जी हमारे संग आएंगे दाऊ। क्या करते हो उसे बांस खेलते हो? खेलते हो? ओए सुसु कर देता हो यार तुम तो यार हमारे ऊपर। सुसु कर रहा मजे से। वाह यार सबांस, 2-3 दिन में ये ना दौड़ने लगेगी, देखना आप। अब ये गौरी ना हमारे साथ में ही रहेगी जब तक बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाती है, फिर उसके बाद ये जाएगी डेयरी पे और फिर डेयरी पे रहेगी। वो अभी तो हमारे साथ में ही है जब तक ये पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो जाती है। कितनी एक्टिव हो गई है पहले से। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जब ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी उसके बाद हम इसको डेयरी पे भेजें या ना भेजें। साधना तो मना कर रही, वो कह रही नहीं मैं तो अपने पास ही रखूंगी यहीं पे, क्योंकि डेयरी पे इस जैसी ही है ना, 3-4 बच्चियां और भी हमारी, तो वो वहीं पहुंच जाएगी तो उनके साथ में इसको अच्छा भी लगेगा। पहले ये ठीक हो जाए, पहले इसी चीज पे फोकस है, पहले से तो काफी ठीक हो गई है। वो हमें गौरी थक गई सो आराम से अंदर आके बैठ गई। साधना ने ये पता कैसे बनाया है, ये घुंघरू निकाली साधना ने कंगन की, पता नहीं कपड़ा कहाँ से ले आई और फिर उसको सिलाया इसने और फिर देखो ये घुंघरू भी उसी में लगा दी, तो अच्छा बन गया हमारी गौरी के लिए। इसके पैर में पहनने वाले भी ले आएंगे। गौरी 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 ले, वे तो उठ गई, वे तो कहे हमें नहीं बैठना। अरे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, ले बैठ गए शिवांश बुलेरो में। शिवांश कहाँ है तुम्हें बुलेरो? चलांग ना मार जच्चो। गाड़ी में बैठो तो कल तो कांच में देख जा रहा हो तो कहीं जी गाड़ी कहाँ से निकल रही है। हाँ मेरे ऊपर लेटा है और कितने आराम से खेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर सुसु करी थी और जो देखो अभी तुम आप चुका कर दा तुमने है? पेट खराब है का गैस निकाल रहे तो है? कोई बात नहीं, होता रहता है शिवांश बड़े बड़े शहरों में को। लियो शिवांश बेटा दादी आ गई। ये उस दिन हम लोग इतना सारा सामान लेकर आए थे, इतनी सारी शॉपिंग करी थी, बट उस दिन से टाइम ही नहीं मिला। आज टाइम मिला तो आपको दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए थे। और ये बोरी में इसलिए लेकर आए थे, अभी ये ऐसे थैले कितने लेते हम, तो बहुत सारे थैले लेने पड़ते हैं, इसलिए उनने कहा भैया एक बोरी ले लो, और कार लेके गए नहीं थे हम तो इसलिए इस बोरी में ले आए थे। ये मात्र 10 रुपया में देख लीजिए आप, आपको पसंद आए तो आप अपनी बहू के लिए ले सकती हो, देख लो आप ले लो 10 रुपये में, ले आओ 10 रुपये दो। अरे नहीं पहले इसके दो पेमेंट पहले करो, तो ले आओ वापस दो इधर।
मॉल में जा, 1000 रुपया की पड़ी हमें, हम इतने आके 10 में बेच रहे। ये है साधना का एक गाउन, अनारकली है। हाँ बढ़िया है। एक ये नाइट सूट है, इसका प्लाजो नाइट सूट में दो अलग अलग लिए। एक ये देखो व्हाइट कलर का, ये भी एक गाउन है। एक देखो ये भी नाइट सूट है। ये सर्दियों वाली स्लीपर है साधना की। अब हो गए सेवांश के कपड़े स्टार्ट। तो एक ये सेवांश का विंटर सूट है। वे देखो सेवांश दाऊ तो आराम से सो रहे होते हैं। जो तो जेबरा वालों लिया होते हैं। जो जेबरा नहीं है, जिराफ है। सेवांश की एक स्वीट शर्ट है। एक ये भी सेवांश का विंटर वाला सूट है। बाकी जितने भी मैं कपड़े दिखाता जा रहा हूँ तो आप कमेंट करना कि आपको सबसे बेस्ट कौन से लगे। बाकी अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं इसमें सेवांश के। एक ये स्वेटर है सेवांश का, एक ये स्वीट शर्ट है सेवांश की, और एक ये भी सेवांश की स्वीट शर्ट है। तो इसमें ना ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। ना ये स्वेटर होता है, ना ये टी शर्ट होती है, ये बीच की होती है, तो इसको बोलते हैं स्वीट शर्ट। एक ये भी सेवांश की स्वीट शर्ट है। इस पे क्या लिखा, आई लव माई मम्मी सो मच। ओ भाई साहब, अब जिस सेवांश जो पे है ना, सेवांश जो के हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी, सही में हमें मारी हो ना। तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें लाना है, उनके सामने से उनके लाना है। इसलिए ये टी शर्ट पहनेगा कि ना उसको डांटना नहीं तुम लोग, ठीक है? भाई साहब, एक ये वाले कलर में भी है स्वीट शर्ट, और इसमें भी यही लिखा आई लव माई मम्मी सो मच। एक ये जैकेट है सेवांश की रेड कलर की, एक ये भी जैकेट है सेवांश की। कमेंट करना दोनों जैकेट में से कौन सी अच्छी लग रही है। बाबा सूट भी बोलते हैं। ये पूरा खुल जाएगा और सेवांश इसमें पैक हो जाएगा, फिर बटन लगा दो ऊपर से। सेवांश के पास अभी एक ही जोड़ी थे तो हमने सोचा और आ जाए। ये भी है रेड कलर में। लो ये दो जोड़ी जूता आएंगे सेवांश के। ये सेवांश की चड्डी है, कितनी है ये, 1, 2, 3। अंडरवियर के अंडर अंडरवियर कहा बताऊं मैं, अंडरवियर होती है। हमने सोची ठंडा की तो बियर के। अच्छा ठंडन में अंडरवियर हो जाता का भाई। ये सर्दी वाले पैंट है। एक ये वाले कलर का ये पैंट है। एक ये भी पैंट है उसका, और एक ये वाले कलर में भी सेवांश का ये पैंट है। एक ये वाली जैकेट है सेवांश की। फाइनली यही कपड़े थे सेवांश के पूरे। तो बहुत सारे कपड़े आ गए, आई थिंक ये वाली सर्दी तो निकल जाएगी सेवांश की। इतने कपड़े कपड़ा नो का हो तो इतने कपड़ा पहले नहीं पाने पे छोटी हो जाए। अरे तो मम्मी एक दिन जो पहना है जब तक पूरे खत्म ना हो जाए तब तक भी पहना ही हो, नहीं रिपीट नहीं करियो। चलो ठीक है, केवल ले आने। और साधना की डॉक्टर ने साधना को ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोला था, तो कुछ मैं ये ड्राई फ्रूट्स ले आया हूँ साधना के लिए। 1 किलो बादाम है, 1/2 किलो काजू है, अखरोट है, किशमिश है, तो ये पिस्ता है। बाकी ये मेरी शॉपिंग थी, ज्यादा तो नहीं थोड़ी सी थी। तो दिखाता हूँ क्या क्या लिया था। एक मैंने ये जैकेट ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिर मैंने ये ले ली, और इसका कपड़ा भी अच्छा है। ये स्वेटर भी लिया था मैंने अपने लिए। एक ये भी स्वेटर है, ये स्वीट शर्ट है, तो ये भी काफी अच्छी लगी तो ये भी ले ली थी। एक ये फुल स्लीव वाली टी शर्ट है, एक ये वाली भी टी शर्ट है, एक जोड़ी ये मैंने स्लीपर भी ली थी। यही सारा सामान लेकर आए थे हम लोग परसों, और आज टाइम मिला दिखाने का तो दिखा दिया। मम्मी और राहुल और सलोनी भाई, जब भी आपको लेने हो तो बता देना। कितने क्या है रज्जा जी कपड़ा है? 20,000 के, 20,000 रुपए। आप पहले और का पहन सकते हैं। अब तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। जो लड़कियां काम कर रही हैं लड़के नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचो। मोड़न के छोटे छोटे बार रस, सब मोड़े छोटे बार भी करने लगी। ये तो तुम्हारी मजाक वाली बात है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेहनत करने की कह रहा हूँ, और आगे जीवन में सक्सेस होने की कह रहा हूँ। तो जितना सक्सेस लड़के होते हैं उतनी अब लड़कियां भी आगे बढ़ने लगी अपने जीवन में, बड़े बड़े काम करने लगी। तो आप मेरे कपड़े पहन सकते हो, साधना मेरे कपड़े पहन सकती है, सलोनी भी पहन सकती है। गौरी को अभी थोड़ी देर में साधना दूध पिलाएगी, तो वैसे भी अभी वो सो रही है, तो दूध पिलाएंगे और सो जाएगी। वो रूम में ही सोएगी, वो हमारे 15-20 दिन तो वो यहीं रहेगी हमारे साथ में ही। जब वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें लगेगा कि अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। मुंह देखो कैसा बना रही हो। साधना चाहती है कि वो हमेशा यहीं रहे। साधना देखो मेरी बात सुनो, डेरी भी तो अपनी ही है, वो भी तो अपनी जगह में ही रहेगी। वहां उसके साथ ही मिल जाएंगे उसको साथ में। तो यहाँ देखो सलोनी का चल रहा है डिनर, हाथ में रोटी लेकर। आज भी तुम्हारे हेडपंप भी हाथ में लेकर खा रहे थे रोटी, आदत पड़ गई दुनिया को है। दुखावे से खा रहा खा लो। ये देखो हमारी गौरी भी दूध पी रही, इनको भी डिनर चल रहा है। पूछ बाइपर की तरह हिल रही इनकी। बछड़ा जब दूध पिए तब बेहलाता ही है, ऐसे ही पूछ। तुम्हारा होगा लंच? हाओ जाट हम लंच होते फिर खाए क्या नहीं हाओ। अरे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में। ए दीदी जिज्जी, हम ब्लॉग बना रहे थे। तुम क्यों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे कह दो कहाँ जा रहा हूँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सपराना नहीं है, सपरा दो तो चैनल ठंडो हो जाए, ठंड पड़ जाए फिर वहाँ पे। बाय बाय सभी को राधे राधे कह दो, बाय बाय सभी को राधे राधे।